कि आके मैं आम लोगों की सरकार देवांगा पंजाब की आवाम नूं, तां पंजाब दे लोगों नूं आम लोगों की सरकार देने का उन्होंने वादा किया। खेती कानून रद्द करन दी केंद्र सरकार नूं चरणजीत सिंह चन्नी ने अपील की। रेत माफिया ते नकेल कसण अते बिजली बिल घट करन दा भी उन्होंने वादा किया। हड़ताल लई कर्मचारियों तो उन्होंने समा मंगया। सारे कर्मचारी नूं अपील की है कि तुसीं कम ते आ जाओ वापस, ते मैं तुहाडे मसले हल करांगा। हाईकमान के 18 नुकाती प्रोग्राम तहत चोण वादे पूरे करन दी चरणजीत सिंह चन्नी ने गल कही। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री बने, उस तो बाद मीडिया के रूबरू होए। हालांकि सवालों के जवाब उन्होंने अज नहीं दिते। उन्होंने कहा कि अज तुसी मेरी गल जी है वह छापो, मेरी गल ही चलाओ, तो मैं हर जड़ा मुद्दा कवर करने की कोशिश की है। मीडिया के सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिते। कई सारिया अहम गल्लां कीतियां, शुरुआत भावुक जरूर होए। रेत माफिया बारे उन्होंने गल की, मुलाजमान बारे गल की, बिलों बारे गल की, लोगों की सरकार देने का वादा किया। पिछले दिन ही पंजाब की खेतीबाड़ी ते जेकर आंच आएगी तो किसानों नूं अपना गल बढ़ के दे दांगा, लेकिन पंजाब की किसानी ते आंच नहीं आन देगी। ये किसानों की सरकार है, किसानों की हितैषी सरकार है, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार है। काले कानून वापस लैण वास्ते मैं केंद्र सरकार नूं अपील करदा, यह किसानी डुबेगी तो पंजाब डुब जाएगा, किसानी डुबेगी तो हिंदुस्तान डुब जाएगा। किसानी दे नाल अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। किसान की फसल आती है तो दुकान दे विच गाहक आउंदा है, पंजाब सरकार ते असर पैंदा है। इस करके पंजाब सरकार हर तरीके दे नाल किसानां दे संघर्ष दे नाल खड़ी है, और ऐसी सब कुछ बार नूं तैयार है किसानों के संघर्ष वास्ते। लेकिन पंजाब के किसान नूं कमजोर नहीं होण देवांगे, ऐसी हर तरीके नाल समर्थन करते हैं किसान संघर्ष का, ते अपील करते हैं कि इन्हां नूं वापस लिया जाए जिहड़े काले कानून है। गरीब किसान है, चाहे गरीब दुकानदार है, चाहे गरीब वो पिंड च बैठा मजदूर है जिहड़ा रोज मजदूरी करके खांदा है, चाहे छोटा दुकानदार है, चाहे गरीब किसान है, चाहे किसी जाति का गरीब है, मैं उन्हां दा नुमाइंदा, मैं अमीरां दा नुमाइंदा नहीं है। मैं ना उन्हां लोकां दा नुमाइंदा जिहड़े सोचां दे विच अपनी दे कालख रखदे है। मैनूं उही बंदे मिलन जिहड़े पंजाब दी सेवा करना चाहुंदे है, जिहड़े रेते दा बिजनेस करना चाहुंदे, मैं हत्थ जोड़दा मैनूं ना मिलन। जिहड़े कोई माफिया करना चाहुंदे मैनूं ना मिलन आके, मैं उन्हां दा नुमाइंदा नहीं है। मैं रिक्शा चलाउण वाले दा नुमाइंदा, मैं आप रिक्शा चलाया, मेरे बापू दा टेंट हाउस सी, मैं घर घर कुर्सियां ढोईयां, मैं हर पंजाब दे आम लोग दा नुमाइंदा। अज आम लोगों का राज पंजाब दे विच स्थापित होया, अज पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी का राज स्थापित। मैं नहीं सुनना ते ना मेरी हाई कमांड ते मेरे लीडर सुनना चाहते, ना मेरे MLA सुनना चाहते कि पंजाब दे विच कोई रेता माफिया भी हैगा। अज ही इहदा फैसला कर दांगे कैबिनेट दे विच, अज ही फैसला कर दांगे। जिहड़ा बहुत जरूरी है किसानां दा, खेतां दी बिजली माफ रहे, किसान नूं लोड़ है, लेकिन एक मोटर गरीबां नूं पानी, पिंड दे लोकां नूं पानी भी दिंदी है, वह भी माफ होनी चाहीदी है। गरीबां दा पानी माफ होएगा पिंडां दे विच, वह मोटर दा भी बिल नहीं लगेगा। 10-10 लाख रुपये के बिल खड़े है, 20-20 लाख के, 50-50 लाख के, सारे माफ करांगे कैबिनेट की अज की मीटिंग के। किसी गरीब का कनैक्शन इस करके नहीं कटेगा कि जी वह बिल देना है, जिदे पिछले 5 साल या 10 साल किसी का कनैक्शन कटिया गया कि बिल रहा है, वो सारे बिल माफ करके वह कनैक्शन लगेगा। 31 अगस्त तक जेडे किसी का भी गरीब का, वो असी तय करांगे। अज कैबिनेट दे विच साडी हाई कमांड दे अनुसार
लेकिन उन्होंने बिल दोबारे चला के असाफता बराबर कर देना, बिल पाड़ देने, अगे नो बिल नहीं आना। ते नाल नाल पानी माफ, बिजली की मैं गल कर ली है, शहरां दे विच वाटर सप्लाई ते सीवरेज 200 गज तक दे या 150 गज तक दे जिवें फैसला होएगा उन्हां तों नहीं लिता जाएगा। ये आम आदमी की सरकार है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया है, वो उन्होंने पानी दे राखे भी कहा गया है, लोगों ने उन्होंने हर नंबर प्यारता भी दी है। साड़ी पार्टी के लीडर हैं, जो काम अजे टाइम बचता सी अधूरे रह गए हैं, ऐसी करांगे। जेड़ी गल ऐसी कही है कि आ मुद्दे रहिंदे हैं, हाई कमांड ने 18 मुद्दे दिते है, वो एक एक करके हुणे पूरे होणगे, अगे नहीं पावांगे। ऐसी पार्टी असी सारे बैठ के इंप्लाइज दे नाल गल करांगे, जो मसले सारे हल करांगे। लेकिन एक बेनती जरूर करांगा कि वापस काम ते आ जाओ, आपां ने पंजाब नूं अगे लेके जाना है। जे किसी इंप्लाई दे घर 10,000 फालतू जाना तां मेरे घर भी आना है, इस करके मैं उहनां दे नाल खड़ा है। मेरे घर वो आ गए, आ पिछे म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमान का झगड़ा सीगा, मैं नाल खड़ गया, मैं क्या इन्हों पक्के करो, होर आए सी पानी वाले, मैं क्या पक्के करो इन्हों, मैं उन्होंने नाल खड़ा, अज तो नहीं पहला तो खड़ा है। फिर जे मैं उन्होंने नाल खड़ा तो वह अज मेरे नाल आके दफ्तर खड़ जाण, काम पर जोर दे देण, मेरे ते विश्वास रखण, सरकार ते विश्वास रखण, पार्टी ते विश्वास रखण, मसले सारे हल हो जाणगे, कम्मां ते आ जाण।